भाई मैं बहुत गरीब हूँ भाई, वो मेरा पिताजी का ट्रीटमेंट का पैसा, प्लीज वो पैसा वापस कर दो प्लीज। अच्छा, तो ये तुम गलती से पैसा भेज दियो। दोस्तों, एक बिल्कुल नए तरीके का खतरनाक स्कैम आया हुआ है। ये देखिए दोस्तों, मुझे एक मैसेज आया हुआ है कि मेरे अकाउंट में 8,000 रुपये क्रेडिट हुए हैं। देखिए ये मैसेज आया हुआ है, लेकिन दोस्तों जब मैंने अपने मेन बैलेंस चेक किया, अपना बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक किया, तो उसमें जितना मेरा पहले का बैलेंस था 15,000 रुपये, उतना ही है। कोई भी ये 8,000 रुपये जो मैसेज आया हुआ है, ये फेक मैसेज है दोस्तों, मेरे अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है। और देखिए दोस्तों, ये एक बंदा मुझे बार बार कॉल कर रहा है, देखिए 8 मिस कॉल है। अभी मैं इसको कॉल करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं दोस्तों ये एक फ्रॉड है, फ्रॉड मैसेज है, और मैं इसको कॉल करता हूं। देखिए दोस्तों, ये लोग कैसे लोगों को नए तरीके से चूना लगा रहे हैं। नए तरीके का स्कैम आया हुआ है, ये जामताड़ा का बिल्कुल नया स्कैम है। चलिए मैं इसको अभी कॉल करता हूँ। देखिए दोस्तों, लाइव में आपको दिखाता हूँ, देखिएगा कैसे ये लोगों को जो है पागल बना रहे हैं, कैसे लोगों के साथ ठगी कर रहे हैं। और दोस्तों ये देखिए, यूपीआई अकाउंट लोगों का हैक कर रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे जो है हैकर लोगों का अकाउंट हैक करता है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए दोस्तों, हेलो। इसको कॉल जा रही है। हेलो, हाँ भाई, भाई कहाँ से बात कर रहे हो आप? मैं लखनऊ से बात कर रहा हूँ, आप कौन, भाई मैं मनोज बात कर रहा हूँ कहाँ से? भाई, एक्चुअली मनोज बात कर रहा हूँ दिल्ली से हाँ बताओ। भाई। एक्चुअली मैं पिताजी को पेमेंट कर रहा था फोन पे से, वो गलती से आपका नंबर पे चला गया भाई। आपको शायद मैसेज आया होगा आपको। हाँ, मैसेज मेरे मोबाइल में तो आया है, 8,000 रुपये मेरे अकाउंट में आए हुए हैं। जी, वो गलती से चला गया भाई। अच्छा ये मैसेज मेरे मोबाइल में आया हुआ है, ये कि मेरे अकाउंट में 8,000 रुपये आए हुए हैं। जी भाई जी। ये तुमने भेजा है? नहीं भाई, नहीं मैसेज मैंने नहीं भेजा है, मैंने तो पैसा भेजा है हाँ गलती से गया हाँ आप हाँ मैसेज आप। पैसा ही तुमने भेजा पैसा? जी भाई, वो एक्चुअली मेरा पिताजी हॉस्पिटल में एडमिट है, तो उनको मैं पेमेंट कर रहा था फोन पे से, तो अच्छा, लास्ट का एक अंक गलत दबा दिया मैंने, वो आपका नंबर में चला गया। मैं कब से कॉल कर रहा हूँ, आप फोन ही नहीं उठा रहे। जी कैसे, मतलब समझा नहीं कि पापा को भेज रहे थे और मेरे अकाउंट में कैसे आया? जी मैं फोन पे से वो जो नंबर से पेमेंट नहीं कर, नंबर डाल के, हाँ, मोबाइल नंबर डाल के। जी वो नंबर डाल के मैं पेमेंट कर रहा था, तो लास्ट का जो एक अंक होता नंबर का, वो मैंने गलत दबा दिया और किसी और नंबर से चला गया, तो मैंने सोचा किसका नंबर है, कॉल किया तो आपको फोन लग गया। भाई प्लीज वो पैसा वापस कर दो, मेरे पिताजी हॉस्पिटल में एडमिट है अभी। अच्छा, तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम अपने पापा को भेज रहे थे और लास्ट का एक अंक चेंज हो गया, तो मतलब मेरे नंबर पर चला आया पैसा। जी भाई जी, अच्छा, भाई तो वापस कर दो भाई प्लीज। मम्मी मुझे बार बार कॉल कर रही है, पैसा भेज पैसा भेज। कहाँ से बात कर रहे हो, क्या काम करते हो? भाई मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ, यहाँ दिल्ली पे होटल पे काम करता हूँ भाई। अच्छा, होटल पे काम करते हो, क्या नाम है तुम्हारा? मनोज, मनोज बात कर रहा हूँ मनोज, भाई। जी मनोज नाम है। अच्छा, तो पैसा कैसे डालना है, कैसा पैसा भाई, तुम्हें? फोन भाई फोन पे से कर दो, फोन पे से कर दो, मैं मेरा पिताजी का नंबर दे दूंगा, आप उसी नंबर पे कर दो। मम्मी बार बार कॉल कर रहे, कुछ मेडिसिन लेना है उनको, पैसा भेज कर मैं भेज ही रहा था किसी और से लेके उधार, वो किसी और नंबर पे चला गया भाई, प्लीज वापस कर दो। अच्छा, तो ये इसीलिए तुम बार बार मुझे कॉल कर रहे थे, 8 मिस कॉल तुम्हारा लगा हुआ है। जी भाई, थोड़ा सिचुएशन थोड़ा खराब है भाई, इसलिए मैं बार बार कॉल कर रहा था, बुरा मत मानना, आप पैसा वापस कर दो भाई। भाई अच्छा, अगर पैसा मैं ना भेजूँ तो? ऐसा क्यों बोल रहे हो, पैसा वापस भेज दो भाई, मैं क्या कर लूंगा, पैसा वापस भेज दो। अच्छा, तुम्हें पैसा लेना है तो मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है? पैसा लेना जी है भाई तो तुम अकाउंट नंबर अपना भेजो, पूरा अकाउंट डिटेल भाई, भेजो। सुनो, पूरा अपना अकाउंट डिटेल भेजो, अपना आधार कार्ड भेजो, पैन कार्ड भेजो, मैं तुम्हें पैसा डाल रहा हूँ। भाई मैं अभी काम कर रहा हूँ, ड्यूटी में हूँ मैं भाई, ये सब मेरा घर पे, मैं ये सब अभी नहीं भेज सकता भाई, आप डायरेक्ट नंबर से कर दो ना फोन पे से। जी अच्छा, तो तुम एक काम करना फिर, अगर तुम यार डिटेल नहीं देना चाहते हो तो तुम मेरे यहाँ पे आ जाओ, मैं तुम मेरे सामने आओ, मैं तुम्हें कैश निकाल के पैसा दे दूँगा। भाई, आप कहाँ रहते हो भाई, मैं लखनऊ हूँ, आ जाओ यहाँ पे। दिल्ली से लखनऊ आने में मेरा कितना समय बर्बाद हो जाएगा और पैसा भी पूरा भाड़ा पे चला जाएगा भाई, थोड़ा बात को समझो, पिताजी हॉस्पिटल में है भाई, थोड़ा बात को समझो, पैसा वापस कर दो भाई, अच्छा गरीब हाँ, आदमी हूँ, ये वो भी बात किसी तो और से, किसी और से उधार लेके पैसा भेजा था मैंने, वो भी गलती से, मेरे ही गलती से चला गया अच्छा हाँ यार, तो बहुत भाई।
तो भाई मेरे तो थोड़ा इमरजेंसी है भाई, बात को समझो। अच्छा तो तुम एक काम करो, पता नहीं पैसा तुम्हारा आया है या किसका आया है मेरे अकाउंट में, तुम एक काम करो, भाई मेरा ही आया है। तुम यहाँ पे आ जाओ मेरे पुलिस स्टेशन के पास, मैं तुम्हें वहाँ पे पैसा दे दूंगा, मेरे सामने आना भाई अभी पड़ेगा। भाई अभी अभी तो नहीं आ पाऊंगा ना भाई, अभी आऊंगा तो समय बहुत ज्यादा बर्बाद हो जाएगा ना भाई। वो पिताजी का मेडिसिन लेना है, मम्मी को अच्छा मेडिसिन लेना था। वो मेडिसिन लेने के लिए मैंने पिताजी का फोन पे कर रहा था, वो चला गया गलती से भाई। वापस कर दो अभी, कि अभी अच्छा तो नहीं आ सकता मैं भाई, तुम्हें मेरे नेट पास बैंकिंग से तो कर दूँ, नेट बैंकिंग से। भाई नेट बैंकिंग से करोगे तो फिर अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड ये हाँ तो सारा वही, डिटेल्स है, वो तो अभी मेरे पास नहीं है ना भाई। अच्छा तो अकाउंट डिटेल वगैरह मंगवा लो ना, मैं कर दे रहा हूँ। नहीं भाई वो अभी मैं नहीं, मैं तो यहाँ पर रेंट पे तो रहता हूँ ना, कैसे मेरा करना है, पेमेंट तो तो नहीं हो कैसे, रहा तो फिर कैसे करूँ पेमेंट तुम्हें? भाई। फोन पे से कर दो, मैं नंबर बता रहा हूँ ना आपको अच्छा फोन पे से कैसे होगा? जी भाई। आप फोन पे को खोलो, मैं बता रहा हूँ कैसे करना है अच्छा फोन पे खोलेंगे, उसके बाद बताओगे प्रोसेस की कैसे करना है। जी। आप गूगल पे फोन पे अच्छा जो भी यूज करते हो आप उसको कॉन्टेक्ट में जा सकते फोन पे यूज़ करना तुम्हें खुद नहीं आता है और मुझे सिखाओगे, तुम पैसा पहले दूसरे नंबर पर ट्रांसफ़र कर दे रहे हो। हो। सॉरी भाई सॉरी, वो तो गलती से हो गया भाई। अच्छा आप वापस कर दो ना भाई। मैं तुम्हारे पैसे तो देखो वापस करने वाला हूँ नहीं। ऐसा क्यों बोल रहे हो भाई, ऐसा क्यों बोल रहे हो, वो तो मेरा पैसा है ना, आपको तो वापस करना ही पड़ेगा मैं नहीं करूंगा, क्या कर लोगे तुम बताओ? भाई। पैसा वापस नहीं करोगे तो फिर मैं पुलिस स्टेशन पे कंप्लेन करना पड़ेगा भाई। भाई अच्छा तुम पुलिस स्टेशन पे कंप्लेंट करोगे मेरी? तो करना तो पड़ेगा ना भाई, पैसा है आप वापस नहीं कर रहे हो, मेरा पैसा है तो आप ऐसे कैसे मेरा पैसा वापस नहीं करोगे। आप अच्छा बात भी समझ नहीं रहे हो, इमरजेंसी है, बात भी नहीं समझ रहे हो आप अच्छा अच्छा बहुत इमरजेंसी है। भाई। कर दो भाई तो ये बताओ, जी मैंने भाई। मैंने बैंक बैलेंस अपना चेक किया तो मेरे अकाउंट में तो पैसा आया ही नहीं है, तो तुम्हें मैं पैसा कहाँ से भेज दूँ? भाई हैं? आपको मैसेज तो आया ना आपके बैंक में, शायद थोड़ी देर बाद आएगा, लेकिन पैसा तो आएगा ना अच्छा भाई, मैसेज अच्छा तो चला गया है ना लोगों यहाँ को से। तो अच्छा, ये तुम्हारा मैसेज तो आ गया है, मैसेज तुम्हारा आ गया है बैंक की तरफ से, यहाँ पे VMSBI करके आया, बहुत अच्छा मैसेज आया है, लेकिन पैसा तो मेरे अकाउंट में आया ही नहीं, तो मैं तुम्हें कैसे भेज दूँ? भाई भाई हैं? वो थोड़ी देर बाद क्रेडिट हो जाएगा आज भाई, आप बात थोड़ी अच्छा देर बाद अच्छा क्रेडिट सुनो सुनो सुनो, तुम पागल जाके किसी और को बनाना, जो स्कैम कर रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो ना, किसी और से जाके करना। अब बेटा तुम्हारा मैं पूरा वीडियो बना लाऊंगा, तुम जो नया तरीके के स्कैम कर रहे हो ना, ये मैसेज भेज के। अब बेटा तुम्हें अभी बताता हूँ, क्या 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 कर रहा है तू, वीडियो बना रहा है। तेरा मैं पूरा वीडियो बना रहा हूँ, तू लोगों के साथ फ्रॉड करता है, अब तुझे पता चलेगा। देखिए दो, हाँ मैं करता हूँ, मैं कर रहा हूँ फ्रॉड, तू वीडियो बना के क्या कर लेगा, तू वीडियो क्यों सुन बना रहा सुन है। सुन बेटा तू, गाइस देखिए सुन सुन, कैसे पहले स्कैम कर मुझे रहा वो है। कर, पहले सुन, वीडियो तेरा मैं कर, पूरा लाइव पहले वीडियो मुझे बना वो लिया कर, हूँ, तेरा पूरा लाइव पहले वीडियो बना वीडियो लिया ऑफ हूँ। कर, वीडियो हाँ ऑफ कर, पहले वीडियो ऑफ कर, वीडियो मत बना, वरना देख तुझे प्रॉब्लम होगा, समझ जा बात को। अच्छा तू मुझे वीडियो धमकी दे रहा डिलीट है, तेरा तेरा जो मोबाइल नंबर है ना, अब मैं देने वाला हूँ पुलिस को, तब तुझे पता चल चलेगा। चल, तू मोबाइल नंबर जिसको देना है दे दे, ठीक है। नंबर मेरे पास और भी 200 से 300 सिम पड़ा हुआ है, नंबर अच्छा से कुछ नहीं होगा, तू वीडियो डिलीट कर, वरना देख तेरा चैनल को क्या करूंगा मैं। तो अभी तेरा तेरा जो वीडियो फोन डिलीट, तेरा जो फोन पे नंबर है, तेरा फोन पे नंबर है, अभी डिटेल निकाल के पुलिस को देता हूँ, तब तू तेरा पता लगेगा, तो तेरा अबे बैंक देख दे दे दे, ये मेरा नंबर है ही नहीं, मेरा नाम का ही नहीं, तुझे जो करना है वो कार्ड में, ठीक है। तेरा बैंक तो डिटेल भी अभी निकलवाता हूँ, जो उसमें UPI ID तूने दे रखा है ना, अभी तुझे पता चलेगा बेटा। चल फोन रख, जा जो करना होगा। अच्छा हेलो, ये देखिए दोस्तों इसने फोन कट कर दिया, और दोस्तों ये देखिए मैसेज मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए कितना सातिर तरीके से इन लोगों ने जामताड़ा का बिल्कुल नया स्कैम खोज रखा है, और कैसे बोल रहा है कि पिताजी का दवाई लेना है और बहुत इमरजेंसी है। देखिए कैसे मैसेज भेजा है, देखिए दोस्तों ये मैसेज भेज के फेक मैसेज, दोस्तों ये देखिए SBI की तरफ से इन लोगों ने मैसेज बनाया है। मैं एक बार मैं खुद, मतलब मुझे भी लगा कि ये सच में मेरे अकाउंट में लगता है पैसा आ गया, तो लेकिन दोस्तों नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे अकाउंट में पैसा नहीं आया, मैंने बैलेंस चेक किया। और देखिए बात कैसे कर रहा है ये कि आपके अकाउंट में पैसा आ गया है, वो पैसा प्लीज़ वापस कर दीजिए, पिताजी कैसे इमोशनल बातें कर रहा है, दवाई लेने के लिए वो पैसा भेज रहा हूँ, भेजा हूँ। देखिए दोस्तों ये बिल्कुल जामताड़ा का बिल्कुल एक नया फ्रॉड आया हुआ है, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर करें, ताकि कोई भी व्यक्ति जो है इस तरीके का बिल्कुल नया फ्रॉड जो आया है इसके झांसे में ना आए, और जो है ये इस तरीके का फेक मैसेज कोई भी व्यक्ति बना सकता है। आपको भी पता होगा कि ये मैसेज बल्क में भेज जाते हैं,
ठीक है। तो फ्रॉड लोग जो है बल्क मैसेज का, जो कि कंपनियां यूज करती हैं इस तरीके का अपना एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, आपको भी पता होगा, तो उसी मैसेज का ये लोग फेक मैसेज बना के लोगों के मोबाइल नंबर पर ट्रांसफ़र करवा रहे हैं और फिर कॉल करके उनसे जो है पैसे मांग रहे हैं। तो लोगों को लगता है कि सच में मेरे अकाउंट में पैसा आ गया है। मैसेज देख के दोस्तों बिल्कुल भी कोई भी डाउट नहीं करेगा कि ये फेक मैसेज होता है। और बिना देखे कुछ लोग क्या करते हैं कि पैसा इनको वापस कर देते हैं अपना बिना बैंक बैलेंस चेक किए। तो आप लोग दोस्तों क्या किया कीजिए कि कोई भी इस तरीके का मैसेज आता है आपको, तो ज़रूर पहले बैलेंस चेक करें कि आपके अकाउंट में पैसा आया है कि नहीं आया है, तब किसी को पैसे ट्रांसफ़र करें। दोस्तों मुझे पता चल गया था तभी मैंने इसका पूरा इसका मैं कॉल रिसीव नहीं किया, बल्कि मैंने जब मैंने मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू कर दिया तब इसको कॉल किया दोस्तों। तो आप लोग इस तरीके से सावधान रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये एक नया तरीके का स्कैम आया हुआ है। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपका एक सब्सक्राइब से ही मुझे दोस्तों सपोर्ट मिलता है और हम आगे ऐसे स्कैम अवेयरनेस की वीडियो दोस्तों नया नया जो स्कैम आता है उस पर जो वीडियो है हम बना के आपके सामने लाते रहते हैं। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में जुड़े रहे इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस लाइव वीडियो को दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।